नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है नारद टीवी पर। नारद टीवी अपनी इस विशेष श्रृंखला में आप सबको रूबरू करवा रहा है हमारे पौराणिक पात्रों को पर्दे पर जीवंत करने वाले कलाकारों से। जब हम उन्हें पर्दे पर अभिनय करते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो वो सचमुच के देवी देवता हों। साथ ही साथ हमारे मन में यह जिज्ञासा भी उठती है कि पर्दे पर इतना अच्छा अभिनय दिखाने वाले इन कलाकारों का जीवन पर्दे के पीछे कैसा होगा। जिन्हें हम भगवान या देवी देवता मानते हैं उनका वास्तविक जीवन कैसा है। नारद टीवी आपकी इन्हीं जिज्ञासाओं को समाप्त करने के लिए लेकर आया है एक और नया एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम जानेंगे एक ऐसी अभिनेत्री की कहानी जिन्होंने न सिर्फ रामायण बल्कि श्री कृष्णा, अलिफ लैला और आज के दौर के कई लोकप्रिय धारावाहिकों फिल्मों में अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता। लेकिन दर्शकों ने इन्हें विशेषकर याद रखा है रामायण धारावाहिक में मांडवी और श्री कृष्णा धारावाहिक में रोहिणी की भूमिका के लिए। जी हाँ, बात हो रही है सुलक्षणा खत्री की। नारद टीवी से हुई विशेष बातचीत में सुलक्षणा जी ने अपने जीवन की बहुत सी दिलचस्प बातें साझा की। सुलक्षणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नारद टीवी पर। धन्यवाद। मैम, हम चाहेंगे कि आप अपने लाइफ के बारे में शुरुआत से कुछ बताएं, जैसे कि आप कहाँ की पैदाइश है आपकी और अपने परिवार के बारे में पढ़ाई लिखाई कैसे हुई है, सो कुछ बताएं आप दर्शकों से, कुछ साझा करें। सबसे पहले तो मैं नारद टीवी चैनल का स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बात करने का ये प्यारा सा मौका दिया। जी हाँ, बहुत खुशी होती है जब अपने चाहने वाले सामने आते हैं, उनसे गुफ्तगू होती है, जिंदगी की कुछ बातें हम साझी करते हैं। जहाँ तक पैदाइश का है, मैं पंजाबी हूँ और मेरा जन्म पंजाब में हुआ और मेरी सारी पढ़ाई लिखाई जो है वो मैंने एमए इंग्लिश किया दिल्ली से किया और मैनेजमेंट फिर उसके बाद डबल एमए किया, वो भी मैंने दिल्ली से ही किया वाईएमसीए से, तो ये सब किया। और उसके बाद लेकिन मैं मेरा कला में बहुत ही ज्यादा रुचि थी, तो लिखती भी थी, कविताएं वगैरह लिखती रहती थी, शॉर्ट स्टोरीज लिखती थी स्कूल कॉलेज के टाइम पे। तो मुझे अपने आप के लिए एक अभिव्यक्ति का माध्यम चाहिए था जी। और दिल्ली जैसे है तो इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, लेकिन जिस दौर से जिस वक्त से हम गुजरे हैं, हम जिस वक्त के हैं, तो उस वक्त फिल्म लाइन में आना कोई इतना आसान काम नहीं था और टीवी सीरियल्स तो ऐसे कोई थे ही नहीं। तो अपने आप को अभिनय के माध्यम से अभिव्यक्त करना, ये अंदर से एक उमंग नहीं थी, अंदर से एक लपट थी, फ्लेम थी, आग थी कि अपने आप को मुझे अभिव्यक्त करना है। शुरू शुरू में तो मैं कविताओं के माध्यम से, लेखने के माध्यम से कहती रहती थी, लेकिन जैसे मुझे कुछ और चाहिए था तो मुझे मिला ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी दिल्ली। अच्छा जी। तो आकाशवाणी दिल्ली में मैं बहुत बहुत ही यंग एज में चली गई युववाणी से और बहुत मुझे काम मिला, मैंने ड्रामा ऑडिशंस पास किए। ये ऐसे था जैसे प्यासे को नदी नहीं मिलती, समुंदर मिल जाए। तो मैंने आकाशवाणी दिल्ली में बहुत काम किया और युववाणी से फिर जनरल ड्रामा सेक्शन हिंदी में आई, फिर वहीं से पंजाबी का ऑडिशन पास किया, पंजाबी ड्रामा ऑडिशन, फिर उर्दू ड्रामा ऑडिशन, फिर एक्सटर्नल सर्विसेज जो भी आकाशवाणी दिल्ली के विभाग हैं, चिल्ड्रंस प्रोग्राम, तो यानी जहाँ जहाँ तक भी मैं जा सकती थी मैं गई और मैंने जी भर के अपने आप को अभिव्यक्त किया नाटकों के जरिए किया और बहुत अच्छा नाम हुआ, ए ग्रेड आर्टिस्ट बनी। और लेकिन लगा कि नहीं, अभी भी मेरे प्यास बुझी नहीं है और ये जो अंदर एक ज्वाला जगी हुई है इसको कुछ और चाहिए, अभी इसको कुछ और चाहिए। और जैसे कि मैं एक छोटी सी चिड़िया, लेकिन पंख इतने बड़े हो रहे थे कि मैं और ऊंची उड़ान भरूं। तो दिल्ली दूरदर्शन में भी मैं अप्रूव हो गई ड्रामा उसमें और मैंने किए भी एक दो, लेकिन जो चाहिए था वो नहीं अभी मुझे प्राप्त हुआ था। तो कहते हैं ना, जब हम शिद्दत से कुछ चाहते हैं तो कुदरत अपने आप ही सारी चीजें मैसर करा देती है। तो ऐसे ही हम एक दिन रेडियो की रिकॉर्डिंग कर रहे थे ऑल इंडिया रेडियो में, तो मेरा बहुत ही शानदार रोल था, एक रोल तो मुझे नहीं याद क्योंकि हजारों नाटक किए। तो वहाँ पर एक हमारे साथ को आर्टिस्ट थी, वो कुछ उसने ऐसा बोला कि सुलक्षणा तुम इतनी छोटी सी उम्र की हो और बहुत अच्छा काम करती हो,
मैंने कहा जी शुक्रिया। तो कहते तुम बॉम्बे क्यों नहीं चली जाती, समाज की बेड़ियां, घर की सामाजिक मान्यताएं, यानी कि मतलब झकझोर दिया हमारी उस कोस्टार ने कि उस बात ने मुझे। मैंने कहा जैसे किसी ने मेरी दुखती रग को छेड़ दिया कि मैं जाना तो चाहती हूँ पर कैसे जाऊँ, है ना, कैसे जाऊँ, बहुत कठिन है डगर पनघट की, तो मैं कैसे जाऊँ। मुझे चाहिए था, बहुत बड़ा आकाश चाहिए था मुझे, लेकिन हालात कैसे ऐसे हो गए कुछ कि उसने कहा कि बॉम्बे में श्री रामानंद सागर जी कुछ नए शोज बना रहे हैं, नाम नहीं मालूम, उन्होंने ऐसे ही बोला था, लेकिन वो बात रामायण की ही थी। तो एक ऑडिशंस चल रहे हैं, यहाँ पर कोई डायरेक्टर आ रहे हैं तो उनको दे दो, शायद आपका कहीं काम बन जाए। अब वो कहता है ना कि हमें और क्या चाहिए था, लिहाजा हम गए और वहाँ जाके हमने अपना ऑडिशन दिया, लिखा भी खुद, क्योंकि मैं लिख लेती हूँ, तो लिखा भी खुद इम्प्रोवाइजेशन, और उनको वो बॉम्बे से जो भी डायरेक्टर आए थे वो ले गए। उन्होंने कहा भाई आप बॉम्बे आइए, वो दिल्ली आए हुए थे, तो उन्होंने कहा आइए जरा। मैंने कहा जी। कहने लगे आप बॉम्बे आएंगे, ये समझ में ना आए कैसे जा पाऊंगी, लेकिन जाना भी था, लिहाजा जैसे जैसे मतलब मेरी इच्छा थी और यूनिवर्सल फोर्सेस मुझे आगे आगे मुझे पुश कर रही थी, तो मैंने कहा ठीक है, लिहाजा मैं बॉम्बे आ गई। बॉम्बे आई लेकिन एक छोटे से टूर पे आई 7 दिन के लिए, तो वहां से उन्होंने मुझे पापा जी के पास भेजा, रामानंद सागर जी के पास, इनके पास भेजा, बी आर चोपड़ा साहब के ऑफिस का एड्रेस दिया, श्याम बेनेगल जी का दिया, गुलजार साहब का, उस समय ओबराय साहब भी थे, ये जो है जिंदगी, तो उनके फ्रेंड्स थे। तो मैंने कहा ठीक है, इस हिसाब से मैं फिर जो है फिर पापा जी से मुलाकात हुई। तो ये तो है बचपन का और पढ़ाई लिखाई जो मैंने आपको एकदम शुरू से बता दी है। अच्छा, मुंबई से जब आप आई और आपने जब दिल्ली रेडियो में जब आपने काम करना शुरू किया, कितने वर्ष का अंतराल, कितना समय आप मुंबई आने में आपको लगा? मैं एक्चुअली 87 में 86 में आई थी, मैं 86 में आई थी और मेरा ऑडिशन यहीं पर बॉम्बे में हुआ था। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था बॉम्बे एयरपोर्ट से उतर के मुझे जाना कहाँ है, मैं तो कभी दिल्ली से बाहर गई ही नहीं थी, और पेरेंट्स का भी इतना कोई एनकरेजमेंट टू बी वेरी फ्रैंक तो था नहीं, लेकिन रेडियो में जाके थोड़ा सा ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया था काम के लिहाज से, अपना जो एक्टिंग का जो है, तो मैं जैसे ही आई उनसे परमिशन से तो मैं आ गई। तो मैं जब यहाँ आई और उसके बाद यहाँ पर आके यहाँ नटराज स्टूडियो में मुझे भेजा गया था, तो वहाँ पर फिर पापा जी से मुलाकात हुई, फिर अपने स्टूडियो में, नहीं स्टूडियो नहीं सॉरी, अपने बंगलो पे उन्होंने बहुत सारे ऑडिशंस रखे थे, बहुत सारे आर्टिस्ट्स के, मेकअप मैन ये वो, तो एक एक करके सबको बुला रहे थे। तो वहीं पर ये पापा जी ने ही ऑडिशन लिया, पापा जी ने ऑडिशन लिया था, और मुझे ये भी नहीं पता था मेकअप क्या होता है वगैरह वगैरह। तो उस तरह से जब उन्होंने ऑडिशन लिया तो डायलॉग डिलीवरी तो अच्छी थी क्योंकि रेडियो तो हमें यही सिखाता है, तो उन्होंने पापा, और कोई कैमरा नहीं था आज के हालात और 33 साल पहले के, तो युवानी में तो मैं 15 साल की उम्र में, क्योंकि युवक ही आते हैं उसमें, 15-16 साल की उम्र से मैं आ गई थी। फिर उसके बाद जनरल में पास करने के लिए थोड़े से एडल्ट होना जरूरी होता है 18-19 साल के बाद, तो फिर वहां से ये मतलब जनरल ऑडिशंस पास किए एक एक करके, फिर वो रियाज है करते 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 करते, लेकिन जब ये ऑडिशन हुआ तो जैसे मैंने अपने लाइंस कंप्लीट किए, डायलॉग कंप्लीट किया, पापा जी उठे, तो पापा जी ने कहा देख सीता तो मैंने सिलेक्ट कर ली है, है अब मुझे लक्ष्मण और भरत की जो है रानियां चाहिए, पत्नियां चाहिए, मांडवी और उर्मिला, इन दोनों में से मैं कोई रोल लूंगा। आई सेड पापा जी थैंक यू सो मच, आई एम हैप्पी, आई एम जस्ट ओके विद इट। तो कहने लगे तो फिर बॉम्बे में रहोगी का, मैंने कहा जी रह लेंगे, इंतजाम करना पड़ेगा, घर पर तो कुछ था नहीं यहाँ पर। तो कहने लगे और इकोनॉमिक पार्ट और ये फीस होगी, उनका पापा जी नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता था, सिर्फ ये पता मुझे अभिनय करना है, अपने आप को अभिव्यक्त करना। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो भी जरूरी होता है। तो जब उन्होंने सिलेक्ट कर लिया सब हुआ, लेकिन हुआ क्या कि 6 महीने की स्ट्राइक हो गई थी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, 86 की बात है। अच्छा,
हाँ जी, तो फिर मुझे वापस दिल्ली आना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि आप तो यहाँ रहते नहीं हो, आप दिल्ली वापस चले जाओ, आप सिलेक्टेड हो और आपको मैं बुलाऊंगा जब रामायण शुरू करूंगा, तो उसमें आपको अभी आप जाओ क्योंकि रहोगे कहाँ पर, घर तो है नहीं ना यहाँ पर। तो फिर मैं चली गई। फिर 87 में मेरे ख्याल से जनवरी में मैं आई थी, राइट, फिर जनवरी में आई। उन्होंने कहा उमरगांव में हम शूटिंग करेंगे, आश्रम जैसा माहौल होता है। मैंने कहा पापा जी ठीक है, आई एम ओके विद इट, बस मुझे बताइए मुझे रोल कौन सा करना है। उन्होंने कहा इन दोनों में से कोई, मतलब अभी क्योंकि लक्ष्मण और भरत का सिलेक्शन करना होगा तो वो सारी चीजें इस तरह से। बस फिर एक दिन लुक टेस्ट के लिए नटराज स्टूडियो में बुलाया गया, वो भी हमें नहीं मालूम था, एकदम नए नए था, तो बहुत अच्छा लगता था, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना करना रानी बन के, यू नो एक छोटी सी उम्र में ये सब हर एक लड़की को अच्छा लगता होगा, उन्हें भी लगा। तो बस हम इस तरह सिलेक्ट हो गए और उन्होंने हमें भरत की पत्नी मांडवी का रोल दिया। तो मतलब अभिनय सीखने का एक रेडियो ही माध्यम रहा या फिर आपने कोई अलग तरह से कोई डिग्री, आपने कुछ कोर्स किया अभिनय में? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं स्टेज करती थी। अच्छा। मैं हाँ दिल्ली में आईफेक्स थिएटर है इधर रेल भवन के जरा आगे जाकर, क्योंकि मैं दिल्ली की हूँ ना, तो वहाँ पर मैंने 18 साल की उम्र में करीब 80 साल की बुढ़िया का रोल किया था। तो टाइम्स ऑफ इंडिया, अभी भी मेरे पास वो कटिंग कहीं होगी, इसमें लिखा हुआ सुलक्षणा स्टोल दी शो। अच्छा। और बस दो तीन सीन्स होते थे, मैं आती थी और वो मतलब इतना, तो स्टेज करती थी मैं, थिएटर करती थी थोड़ा बहुत, वो भी ज्यादा नहीं, मगर रेडियो बहुत करती थी। जहां तक ट्रेनिंग का है, मैंने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली, और काश मैंने और ली होती ट्रेनिंग तो मुझे ज्यादा खुशी होती। मैंने तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नाम तक नहीं सुना था, पूना इंस्टीट्यूट क्या है मुझे नहीं पता था। अच्छा। एक्चुअली बचपन से मेरे अंदर एक थी ललक, थी जानती नहीं हूँ ये क्या था पता नहीं। मेरे पापा मुझे जब भी 4-1 साल की थी जब लेके जाते थे मार्केट या कहीं पर भी बाजार जाए, बागीचे में जाए, कहीं भी घुमाने के लिए, तो बस जैसी जाती थी रास्ते में उनका उंगली छोड़ देती थी और जहाँ भी सिनेमा हॉल आता था गोलचा करके आता था मैं उसके अंदर चली जाती थी और वो जानते थे ये अभी भागेगी वहाँ पर, वहाँ जाके फोटो देखती थी और ऐसे, और अच्छा लगता था और फिर आ जाती थी। बस मुझे नहीं पता वो क्या चीज होती थी बस, और रास्ते में जो भी कोई भिखारी आया, कैसे भीख मांग रहा है कोई, कैसे चीज बेच रहा है, क्या कर रहे हैं, वो घर में आके उसकी मैं कॉपी करती थी। अच्छा। तो मेरे फादर ने कहा ये लगता है बड़ी होके एक्ट्रेस बनेगी, मुझे एक्ट्रेस का मतलब भी पता नहीं था बच्ची हुए तो मैं ये सब हरकतें बचपन से करती थी। और हाँ स्कूल में मैं मोनो एक्टिंग वगैरह बहुत करती थी, जितने भी स्कूल की एक्टिविटीज होती थी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज, उन सब में मैं बहुत एक्टिव पार्ट लेती थी, पढ़ाई में भी बहुत आगे थी, फर्स्ट सेकंड आती थी, और इन चीजों में भी मेरा बहुत ज्यादा रुझान था। तो ये ऐसे ही बचपन से कैसे आ गया मुझे भी मालूम नहीं है। कैसा अनुभव रहा रामायण में काम करने का? बहुत बहुत अच्छा। एक ऐसा मुझे लगता था जैसे मैं किसी स्वप्न लोक में आ गई, मेरा सपना पूरा हो गया। यहाँ पर आके रेडियो में तो हमें पढ़ के बोलना होता था, और सिर्फ आवाज के जरिए हमें एक कल्पना को साकार रूप देना होता है, मूर्त रूप देना होता है, उसे जीवंत करना होता है, क्योंकि ये इट्स ए वर्ल्ड ऑफ ब्लाइंड्स। तो लेकिन यहाँ पर याद करके बोलना होता था तो फटाफट हम याद कर लेते थे, मेमोरी तो बहुत ही अच्छी रही है शुरू से भगवान की दया से। तो और उसके बाद ये 50% तो रेडियो की कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, सिनेमा हो या सीरीज हो, और 50% जो है वो हमारा विजुअल है, यानी हमारी लुक है, हमारी ड्रेस कोड है, हमारा हेयर है, जो भी है, तो वो है, मूवमेंट्स हैं, हम कैसे जा रहे हैं आ रहे हैं, मार्क्स होते हैं, वो सारी चीजें। तो एक तो ये था कि सीखने का भी दौर था, वो फिल्म इंडस्ट्री में आके कैसे काम किया जाता है वो समझ में आया, कैमरे के सामने कैसे काम करना, माइक के सामने तो पता था, कैमरे के सामने कैसे करना है, बाकी सब एक टीम वर्क होती है, जैसे रेडियो में टीम होती है टीवी में भी टीम होती है, तो वो है, और टीवी डायरेक्शन डायरेक्टर्स कौन होते हैं कैसे काम लिया जाता है वहाँ पर, रंग बिरंगी सी दुनिया, बहुत अच्छा लगता था। यानी ऐसा था जैसे मैं हर समय सुरूर में रहती थी अपने अपने इस काम के, मुझे इसके सिवा जैसे कुछ भी और नहीं सोचता, बहुत खुश थी मैं, बहुत अच्छा लगता था, और लगता था बहुत बहुत अभी ऊंचाइयां अभी और भी हैं,
बहुत आगे जाना है। रामायण के बाद और किन किन प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया? देखिए रामायण किया तो फौरन ही मुझे कृष्णा में काम मिला। रामानंद सागर जी, श्रद्धेय श्री रामानंद सागर जी, वो तो एक बहुत बड़ी पुण्यात्मा और एक सेंट मैं तो कहूंगी। बहुत अच्छे डायरेक्टर, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर, बहुत अच्छे राइटर, वो सब तो, और बहुत अच्छे इंसान वो सब तो है, लेकिन मुझे तो उनमें उनके अध्यात्म को देखकर लगता था वो एक सेंट है। वो एक सेंट है तो उनका ऑरा ही कुछ ऐसा था कि मतलब मैं बता नहीं सकती। अब हम एक अलग ही जोन में होते थे, अलग ही, आज भी हम काम करते हैं लेकिन वो जोन जो था उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो जब उन्होंने देखा मेरा ये परफॉर्मेंस वगैरह, देखा कि कैसे मैं अपने डायलॉग्स को पकड़ती हूँ, कैसे मैं परफॉर्मेंस देती हूँ, तो एक दिन मुझे घर में बैठ के फोन आया कि आपको ये अपना नया शो आ रहा है सीरियल कृष्णा, वहाँ के कास्टिंग डायरेक्टर थे शायद जवाहर जी करके थे। तो नहीं है दुनिया, तो उन्होंने कहा सुलक्षा जी आप आ जाइए नटराज स्टूडियो, आपको ये कृष्णा सीरियल में एक नया रोल मिला है रोहिणी का। तो मैंने कहा रोहिणी, रोहिणी का रोल मिला मतलब, या रुक्मणी का रोल मिला, कहते नहीं रोहिणी का। तो मेरे मुंह से निकला वो, मैं तो देवकी या यशोदा बनना चाहती थी। तो लेकिन वो तो लुक के हिसाब से होता है ना, किसको क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये क्वीन का रोल है और वासुदेव की दो पत्नियां हैं, रोहिणी है और देवकी है, तो आप वो क्वीन है जो वॉरियर भी है। ये पापा जी ने मुझे फिर रोल सारा समझाया, नटराज गई मैं स्टूडियो वहां पर, तो उन्होंने बताया। तो मेरा इसके लिए कोई ऑडिशन नहीं उस, ये आजकल का दौर अलग है। देखिए 33 साल हो गए हैं हमें फिल्म इंडस्ट्री में, तो 33 साल पहले कोई कास्टिंग डायरेक्टर नहीं होता था, कोई कॉर्पोरेट, अब तो कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया ना ये सारी चीज, तो वहां पर बस वो पापा जी ने देखा जिन कई आर्टिस्ट रिपीट होते थे, जिन जिन का काम अच्छा लगता था, हम डिसिप्लिन्ड आर्टिस्ट, डेडिकेटेड आर्टिस्ट, तो उस तरह से हमें अपने आप ही काम मिलता गया, हम तो कहते भी नहीं थे। बस उसके बाद ये वाला कृष्णा में ये वाला रोल मिला मुझे। और पापा जी में मैंने एक खास बात मैंने अपने तौर पे अपने लिए ये देखी कि पापा जी मुझे एक तरह प्रिंसेस बनाते थे और क्वीन का रोल देते थे, जैसे मुझे मांडवी का रोल मिला भरत की वाइफ का, तो साथ में मुझे गुड्डी का भी रोल दे देते थे। हाँ मैंने ऐसे कभी कहा उनको, पापा जी मैंने 80 साल की बुड्ढी का भी रोल किया है। मैंने कभी कहा होगा मुझे याद तो क्या अच्छा। तो पापा जी ने रामायण में भी एक रोल मुझे बुड्ढी का भी दे दिया। अच्छा। तो ऐसी खड़ी होती कहते बनो की मन का जी पापा जी बिल्कुल, अच्छी क्या मतलब 100 साल की भी बन सकती हूँ। तो उन्होंने मेकअप वेकअप कराया, मैं बनी। तो उस समय हम खाना वाना हम लोग सब साथ ही खाते थे, राम लक्ष्मण ये वो, और बुड्ढी का रोल ऐसा रिंकल विंकल किया, लक्ष्मण भी मेरी तरफ ना देखे और लोग भी मेरी तरफ ना देखे कि कैसी लग रही है। मैंने कहा शाम को बताएंगे जब हम मांडवी बन के आएंगे। तो इसी तरह कृष्णा में भी अभी कल ही मेरा वो है जो दासी उग्रसेन को आके कहती है, अगर आपने कल का एपिसोड देखा। जी मैंने देखा था कल का एपिसोड। देखा वो जो, तो वही दासी जो आके कहती है कि मैं तो पर्दे के पीछे छिपी हुई थी। हाँ तो वो रोल भी पापा जी ने करवाया मुझसे। अभी मेरा रोहिणी की अभी गेटअप मेकअप कुछ नहीं हुआ, उन्होंने कहा पहले ये वाला करो, पहले वो किया रोल, उसके बाद अगले दिन या तो शाम को मुझे, अब ये तो ठीक से याद नहीं है, फिर मैं क्वीन बन गई। तो उन्होंने क्योंकि वो कहते थे मुझे तरह से वो बुढ़िया वाली परफॉर्मेंस चाहिए, तो मैंने कहा जी। और उसके साथ भी मेरी एक बहुत इतनी हसीन याद है कि मैं आपको अगर आप जानना चाहें तो मैं बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पापा जी ने जब ये रोल दिया उन्होंने कहा ये लाइंस हैं सुलक्षणा याद कर लो, मैं मेकअप वेकअप करा के आई, बहुत लाइंस अगर आपने कल देखा ये, तो छोटा सा अपीयरेंस है, स्पेशल अपीयरेंस और कुछ भी नहीं है। तो मैंने जब उनका एक्शन में आई, काफी दूर से आ रहा था, भागते 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 आई और मैंने अपना पूरा लाइंस कर दी। पापा जी ने कहा दोबारा से जाओ, भागते भागते जाओ, भागते भागते आओ। मैं भागते भागते जा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ मैंने कहीं गलती तो नहीं की, चलो ठीक बोला, चलो कोई बात नहीं दोबारा से करते हैं। मैं दोबारा गई, फिर भागते भागते गई, भागते भागते आई, फिर मैंने बिल्कुल ठीक किया, फिर पापा जी ने कहा तीसरी बार जाओ, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार। मैं थोड़ी सी समझ नहीं पा रही थी, पर मैंने कहा नहीं पापा जी कह रहे तो जरूर करे। उसके बाद जब पांचवी बार किया तो मतलब ऐसे था आवाज टूट रही है, भागने भागने में मैं इतनी थक गई थी, मतलब बोला नहीं जा रहा, डायलॉग टूट रहे हैं सब है, और मैं रो रही हूँ बिलख रही हूँ। उसके बाद सिर्फ पीट पीट के जैसे रोई, और जब उन्होंने कहा ओके कट इट,
तो मैं तो रो ही रही थी क्योंकि मेरे आंसू बह रहे थे, मेरा रोल ही ऐसा था, मेरा सीन था वो। पर मैंने देखा हमारे सबके श्रद्धे पापा जी, श्रद्धे श्री रामानंद सागर जी भी रो रहे थे, बिल्कुल सामने खड़े थे। मैंने कहा पापा जी मेरे तो आंसू रुके, मैंने कहा पापा जी मैंने मैंने तो रोना है क्योंकि मेरा ये सीन है, पर आप क्यों रो रहे हैं? तो जानते हैं उन्होंने क्या बोला, मैं पंजाबी हूँ तो वो भी पंजाबी ही थे, तो कहने लगे वो कुड़िए तू मैंने रुला देता। मैंने कहा कैसे? कहने लगे तूने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तुझे पता है मैंने 5 बार क्यों कराया? मैंने कहा जी क्यों? क्योंकि वो महल से पता नहीं कहाँ से भागी 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 आ रही है, यहाँ तो इतना डिस्टेंस है नहीं, तो वो मुझे वो तेरी ब्रेथलेसनेस चाहिए थी कि सांसें टूट रही है, लड़खड़ा रही है जबान, इस वजह से, वरना तेरे सारे शॉट्स रुक गए और सारे यूनिट के सामने उन्होंने मुझे गले से लगा दिया। बस ये जो है ना, ये बात मुझे, ये उनका एक जिसे कहते आशीर्वाद ही कहूंगी मैं। जी जी। तो बस उसके बाद फिर मैं रोहिणी बन गई, रोहिणी फिर जो यशोदा के घर में रहती है, सरोगेटेड मदर बनती है जी बलराम। तो उसके बाद फिर इन्होंने, आपने जैसे पूछा, फिर उसके बाद मैंने सागर आर्ट्स में 18 साल एक साथ काम किया। हाँ जी, फिर रामायण के बाद अपने आप ही कृष्णा मिला, कृष्णा के बाद एकदम से अपना अलिफ लैला मिला, क्योंकि हम बड़ौदा में शूटिंग करने लगे थे ना उमरगांव से बाद में लक्ष्मी स्टूडियो, तो फिर अलिफ लैला में जादूगरनी के कई रोल्स मिले, अश्जार सलातिया, अजबेला, इस तरह से। फिर उसके बाद एक तिलस्मी होशरुबा भी आ रहा था मेरे ख्याल, लेकिन वो फिर पता नहीं क्यों नहीं बन पाया। उसमें वासुदेव की दो पत्नियां होती, जो आई मीन जो वासुदेव का रोल कर रहे थे, वो किंग थे, वो नहीं हो, वो फिर प्रोजेक्ट नहीं हो पाया। फिर उसके बाद पापा जी ने नवदुर्गा का इन्होंने शुरुआत करने का विचार किया, तो उसमें मुझे काली का रोल दिया था, काली माँ का जी। तो काली का रोल भी मैंने पायलट किया, लेकिन वो शायद उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था, कुछ इस वजह से वो प्रोजेक्ट हो नहीं पाया। उसके बाद इनकी एक फिल्म थी भगत सिंह, शहीद भगत सिंह पे, उस पे भगत सिंह जी की चाची का रोल था शायद। फिर बच के रहना करके था, जो सुभाष सागर जी के बेटे ने किया था, उसमें मैंने बहुत मेजर रोल था, उसमें बच्चों की कहानी थी। अच्छा। वो किया। फिर गंगा मैया थी, जय माँ लक्ष्मी, मतलब उसमें तो कृत्या का रोल था, अग्नि का रोल था जी, 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 जी। और इस तरह से फिर हम बॉम्बे आ गए, बॉम्बे मतलब फिर बड़ौदा से बॉम्बे आके शूटिंग होती थी, तो आरजू है तो इनका शो था, वो मैंने किया सारा चैनल के लिए, उसमें मोनिश बहन थे। और फिर द्वारका देश किया इनका अपना मोती सागर जी का जी। तो अभिनय के अलावा और अपने क्या क्या किया? अभिनय के अलावा अभी तक तो अभिनय ही अभिनय चल रहा है, और फिर एनिमेशन मूवीज के लिए आपने डबिंग भी की। हाँ, मैं रेडियो आर्टिस्ट हूँ तो एनिमेशन के डबिंग्स भी बहुत की है मैंने, साउंड एंड विजन के लिए बहुत काफी की है मैंने जी। वो किए हैं, और सीरियल्स तो करीब इन 33 साल में मेरे 70 शोज कर चुकी होंगी। अभी जो लेटेस्ट था मेरा ये संजीवनी सीरियल था, एल्केमी का। अच्छा, और हाँ जी, इसमें मैं गौरव चोपड़ा की ग्रैंड मदर बनती हूँ, वो था। उससे पहले कुल्फी कुमार बाजे वाला किया था अभी पिछले दिनों 3-4 महीने 2019 में। फिर एक वेब सीरीज की, रजा मराज जी के ऑपोजिट था, मैं मुस्लिम कैरेक्टर था, रजिया आपा का मुस्लिम लीडर थी। उसके अलावा तो बहुत ही शोज किए, रामायण कृष्ण पिक्चर्स की मैंने, मीरा दादार एक गुजराती फिल्म थी उसकी हीरोइन रहे, और ये थी क्या कहते हैं, हाँ हरियाणवी फिल्म की अपने हुए पर आए, और कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी की थी, बूम थी, आस्था थी, और एक पिक्चर थी मैली, वो की थी, और क्या किया इस तरह कई कुछ फिल्म्स की थी, तपिश की, आतिश की, इस तरह से कुछ फिल्म्स भी की, एड फिल्म्स भी की, थोड़ी मॉडलिंग भी की उन दिनों, और करते करते शोज तो काफी किए। हाँ, अरुणा ईरानी जी के साथ तो बहुत काम किया, डोली सजा के लिए, मेहंदी तेरे नाम की, नागिन, ये शोज उनके, हाँ जमीन से आसमान तक, बहुत शानदार रोल्स मिले उसने, एक से एक बढ़ के रोल्स मिले, और डायरेक्टर्स कट के साथ विदाई किया, और जमुना पार किया, और आज भी देख रही हूँ कितने मेरे 6-7 शोज चल रहे हैं अलग अलग चैनल्स पे, समझ में नहीं आता किसको पहले देखूं। और डिज्नी चैनल के लिए जो लेटेस्ट काम किया है वो बहुत अच्छे रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक मिक्की, गोल्डी अहूजा, मैट्रिक पास, ये सब कॉमेडीज है।
और अभी महाराज की जय हो भी आया है अभी, और इसके अलावा कौन सा था, बॉडी ऊर्जा मैट्रिक पल्स, ये इस तरह ये कुछ शोज बहुत अच्छे शोज गए हैं। और बाकी उसके अलावा जैसा कि मैंने कहा, मैं लिखती हूँ और मैं अभी एक किताब लिखने पे थोड़ी व्यस्त हूँ जी, कविताओं को लेकर। पंजाबी सिनेमा में आपने काम किया, जैसे आप पंजाब से हैं तो वहाँ के सिनेमा में कुछ आपने काम किया? अनुराग जी, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं पंजाबी सिनेमा करूँ, दिल से ख्वाहिश है कि मैं करूँ पंजाबी सिनेमा। अगर मुझे मिलेगा तो मैं जरूर, क्योंकि पंजाबी सिनेमा पंजाब में ही होता है जी। तो हम बॉम्बे से बाहर अब नहीं जाते हैं ज्यादातर, अनलेस कि हमें मतलब आउटडोर के लिए ले जाया जाए। तो अगर मुझे बुलाया गया तो मैं डेफिनेटली करूँगी, बड़ी खुशी से करूंगी। मैं चाहूंगी कि मैं मेरा पंजाब की तरफ भी मेरा अच्छा योगदान हो, लेकिन ये जरूर है कि पंजाबी कैरेक्टर्स मैंने बॉम्बे में रह के बहुत किए हैं और वो काफी हिट हुए हैं। जैसे संजीवनी में अभी अभी तो 6 मार्च को खत्म हुआ है, बेबे का कैरेक्टर, फिर जमुना पार में पंजाबी नानी का कैरेक्टर, फिर डोली सजा के मैं पंजाबी पॉजिटिव एंड नहीं नेगेटिव एंड कॉमेडी कॉमिक नानी का कैरेक्टर, वो ऐसे कैरेक्टर्स। और त्रिशूला के लिए मैंने किया था अनामिका, उसमें पंजाबी नानी का कैरेक्टर, तो उसमें जो झलक आ जाती है पंजाब की वो बहुत पॉपुलर है। फ्यूचर में आपको दर्शक और किन किन फिल्मों में या धारावाहिकों में देख सकेंगे? फ्यूचर में अभी तो देखिए लॉकडाउन है, इसलिए अभी तो हम कोई भी नहीं बात कर रहा इस बारे में। जैसे लॉकडाउन खुलेगा, हालांकि मुझे अप्रोच किया गया है एनटीवी के लिए कैरेक्टर के लिए, बुंदेलखंडी कैरेक्टर है वो, तो बात तो हो चुकी है, पर अभी कैसे कह सकते हैं, अभी तो सब कुछ बंद हुआ पड़ा है ना। जी, जैसे भी होगा, बाकी ये जरूर है कि मैं जहाँ एक बार काम कर लेती हूँ तो वहाँ पर मुझे हमेशा दूसरी बार तो जरूर ही बुलाया जाता है। तो ये तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि अपने लॉकडाउन में मेरा जितना भी ये कविताओं का संग्रह है, ये मैं जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सके ये मैं अपना ध्यान दूँ। अंत में नारद टीवी के दर्शकों के लिए आप कुछ संदेश देना चाहें, कुछ मैसेज देना चाहें? जी हाँ, मैं जरूर कहूँगी, आप सब लोगों का जो हमें ढेर सारा प्यार मिलता है जी, और हमारे शोज को जो आप इतना अप्रिशिएट करते हैं, ऐसे ही करते रहिए, हम आप ही के लिए काम करते हैं। आपका प्यार जो है हमारी ऊर्जा है जी, हमारा उत्साह बढ़ता है। हम आप हमें देख पाते हो, भले हम आपको नहीं देख पाते, लेकिन फिर भी हमारे दिलों में आपका प्यार है और वो वही हमें आगे बढ़ाता है जी। और कुछ ऐसे भी दर्शक होंगे लाखों करोड़ों में जो खुद भी कुछ एक्टर्स से, अभिनेताओं से, अभिनेत्रियों से प्रेरणा लेते होंगे कि हम भी ऐसे बने जी। तो उनके लिए मैं ये कहूंगी कि जरूर अगर मन में जरा भी ख्वाहिश है जी, तो उसे दबाइए मत, उसे उस अंकुर को पल्लवित करने की जरूर चाह भी रखिए, लेकिन प्रयत्न भी रखिए, क्योंकि कौन कब किसका नसीब जग जाए कोई नहीं जानता है। और लेकिन उसके लिए एक सच्ची और ईमानदार कोशिश ये जरूर करनी चाहिए, जो ये ऐसा चाहते हैं, जिनका ये सपना है, वो इंट्रोस्पेक्शन जरूर करें जी, अपने आप को एनालाइज जरूर करें कि क्या हम सच में करने के की योग्यता रखते हैं। क्योंकि देखिए ग्लैमर की तरफ आकर्षित होना एक अलग चीज होती है जी। उस आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने के लिए अपने पंखों में ताकत होना, ये परों में ताकत होना ये अलग चीज होती है। तो अपने परों की, वो पंखों की ताकत की पहले आजमाइश कर लीजिए, फिर सब आसान हो जाएगा। तो ये चीज है, बाकी अब अपना रिश्ता तो मेरा अपने काम से है, हालांकि जिंदगी तो जिंदगी में आए हैं तो यही काम करेंगे जी। और इन लोगों के लिए तो मैं यही कहूंगी, और अपना प्यार वो हमेशा बरसाए रखे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप हमारे साथ यहाँ तक जुड़ी, और दर्शक की बहुत से दर्शक ऐसे तो जो अक्सर हमारे पास मेल करते रहते थे, मैसेज करते रहते थे कि रामायण की जो कलाकार उनके बारे में कुछ बताया जाए, सुलक्षण जी के बारे में। तो हमारा सौभाग्य है कि आज आपसे मुलाकात हुई, एक रूबरू हुए फोन कॉलिंग के माध्यम से, और हम ऐसे ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद।